सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। मतलब जो मोटापे की समस्या है अर्ली स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आपका ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कम करने के प्रयोग में लिया जाता है, लाइपेज इनहिबिटर ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है। साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति को कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो सेफ्टी एडवाइसेज में तो मैं यही बताऊंगा कि अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्ते दोस्तों, आज के इस समय में ओबेसिटी की समस्या, मतलब जो मोटापे की समस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसी मोटापे की समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक कैप्सूल के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, जिसे हम इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम अर्ली स्टेज के नाम से जानते हैं। यह जो अर्ली स्टेज कैप्सूल है, यह आपको 120 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और कॉमनली 120 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ वाली जो कैप्सूल है वही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अर्ली स्टेज तो आपका दवा का मूल एवं कंपोजिशन नेम है, बट हम सभी इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी इसे जानते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आपका लिपोकट कैप्स्यूल, ओ स्टेज कैप्स्यूल और लिशा कैप्स्यूल एवं ओविलिट कैप्सूल हैं। तो ये चार पांच इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इजीली आप किसी भी ब्रांड नेम्स को रिमेम्बर रख सकते हो और हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से आपको मिल जाए, बट इसकी जो मूल कंपोजिशन होगी वह आपको अर्ली स्टेज होगा और यह आपको 120 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ही अवेलेबल होगा। तो अगर वीडियो में हम इस अर्ली स्टेज कैप्सूल के यूजेज की बात करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला प्रयोग आपको ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कम करने के प्रयोग में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनको मोटापे की शिकायत हो गई हो या फिर मोटापा बढ़ रहा हो तो उसके ओबेसिटी मोटापे को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो अर्ली स्टेज कैप्सूल है यह प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो अर्ली स्टेज कैप्सूल है यह हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से व्यक्ति के बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और व्यक्ति का मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी वजह से इसे लाइपेज इनहिबिटर ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप इस अर्ली स्टेज कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और साथ ही साथ हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज को फॉलो करें, तब आपको इस मेडिसिन का अच्छा से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूजेज जान लेने के बाद अगर हम इस अर्ली स्टेज कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति को नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, साथ साथ व्यक्ति के स्टूल में फैट आ सकता है, व्यक्ति को दस्त लग सकता है, इसके अलावा व्यक्ति के पेट में भी दर्द हो सकता है, व्यक्ति को वाइली स्पॉटिंग की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ व्यक्ति का जो स्टूल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है एवं पेट के अंदर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, मतलब उसके एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट इसके अलावा अगर आपको कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो आप फर्दर इस अर्ली स्टेज कैप्सूल का प्रयोग लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। यू साइड इफेक्ट जान लेने के बाद अगर हम इस अर्ली स्टेज कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो ऐसे हो सकता है इसका डोज आपका पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, बट फिर भी जो कॉमन डोज होती है एक एडल्ट पेशेंट के लिए वह आपका 120 मिलीग्राम की एक कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, तो पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस अर्ली स्टेज कैप्सूल के सेफ्टी एडवाइसेस की बात करते हैं तो सेफ्टी एडवाइसेस में तो मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग ओटीसी के रूप में ना करें और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को अपनी पूरी हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं और साथ ही साथ आप इस कैप्सूल को लेते हुए भी अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल इस कैप्सूल को प्रयोग में ले सकते हैं, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अल्कोहल के साथ बिल्कुल ही सेफ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है।
इस अर्ली स्टेट कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।